जो मैं पहले कह रहा था कि हमें जो पढ़ाया जाता है इज अ स्लाइटली सॉरी डिसजॉइंट एक्सरसाइज एज कंपेयर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड बट इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट मे बी हेल्पफुल तो जैसे पांच फोर्सेस होते हैं थ्रेट ऑफ कंपटीशन इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी एंड एंट्री बैरियर्स या थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स एंड बारगेनिंग पावर ऑफ बायर्स ये पाँच फोर्सेस हैं हमारे पास अगर हाई हैं तो जनरली सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है ठीक है जैसे अगर कंपेटिटिव इंटेंसिटी बहुत हाई है तो प्राइसिंग पावर नहीं होगा प्राइस पे लड़ रहे होंगे लोग इसमें फिर वो मतलब डी बायर बेसिकली �

पे है। वहीं पे बन रहा है जहाँ पे माइन है तो जो, जो लाइम स्टोन सप्लाई कर रहा है उसके पास भी बहुत ऑप्शन है नहीं बेचने के लिए अगर अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक प्लांट लगा लिया तो लाइम स्टोन सीमेंट पांच छह रुपए किलो का प्रोडक्ट है उस उसपे आप अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता वो अगर वो हो गया तो इनकॉम्पिटेटिव हो जाएगा सो टेक्निकली एवरीथिंग लुक्स गुड फ्रॉम पोर्टर्स फाइव बट वॉट इट कवर इज कि क्या ये ऑलरेडी इन है इंडस्ट्री में

जैसे जैसे प्राइसिंग पावर आने लगा आपने देखा कि स्टॉक्स ठीक से परफॉर्म करने लगे। देखास्टैंडिंग right? so, uh, you know, अच्छा होगा तो हो कितना ईजिली कोई आपके सेक्टर में आ सकता है अगर एक बिजनेस 50 परसेंट के मार्जिन पे ऑपरेट कर रहा है और उसमें कोई रेगुलेशन नहीं है और कोई ब्रांड नहीं है तो सूनर और लेटर कोई अंदर आएगा 100 ठीक है बिकॉज कोई इतना प्रॉफिट क्यों छोड़ेगा इंडिया में बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट और ट्रीट करके पैसा तो बनाना है बट ए लॉट ऑफ देम डोंट नो द राइट वे इसी वजह से दे रिलाई ऑन टिप्स एंड एडवाइसेस फ्रॉम द रॉन्ग पीपल और इसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने अपसर्च डॉट क्लब एज अ प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे हमारे पास 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज़ हैं फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है एज यू कैन सी हमारे सारे कोर्सेज़ काफ़ी अफोर्डेबल रेंजेस में हैं फॉर एक्साम्पल ज्योति बुद्धिया का ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स हमारे पास सिर्फ रुपीज थ्री नाइन नाइन में अवेलेबल है इसमें हमारे पास छह घंटे का कॉन्टेंट है और मैम ने वो सारी चीजें कवर की है विच आर नेसेसरी फॉर यू टू तो बिकम एन ऑप्शन ट्रेडर अगर आप देखोगे तो फ्रॉम अ बिग्नो लेवल टू तो एन एडवांस लेवल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है इसी को और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने इन सभी कोर्सेज को हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी इंक्लूड किया है आपके सभी कोर्सेस को सिर्फ टू थाउजेंड नाइन रुपीज कर सकते हो तो आज ही आप हमारी वेबसाइट कीजिए और और अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग को सही तरीके से शुरू रेगुलेशन नहीं अलाउ करता मुझे एयरलाइन कंपनी चालू करनी है पर गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी मुझे बैंक बनाना है पर बैंक अलाउ नहीं करेगा तो बेसिकली रेस्ट्रिक्शन वहां से आ गया को है 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 कि कि आपका कोई नहीं लेगा, आपको पता चलेगा कौन आ रहा रहा क्योंकि दिया जा होगा उसके लिए, तरीका इंटेंसिव बहुत ज़्यादा है, अभी प्लांट लगाना है तो एक मिलियन टन का प्लांट लगाने के लिए डिपेंडिंग इट इज चार से छह करोड़ रुपए लगेगा एक मिलियन टन के लिए राइट और वो प्लांट लगाने में तीन साल लगेंगे तो कोई आज अगर शुरू कर रहा है तो उसे तीन साल लगने वाले हैं और इतना पैसा लगने वाला है बिफोर दे कैन एक्चुअली कम एंड ऑपरेशनलाइज सो प्लेयर्स हैव एन एडवांटेज इन दैट एक्टिंग तीसरा तरीका है ब्रांड का साबुन बनाना इज नॉट डिफिकल्ट मतलब आप किसी भी शहर में इंडिया में चले जाए लोकल सोप मैनुफेक्चर होते हैं बनाने में प्रॉब्लम नहीं है बेचने में प्रॉब्लम है एचयूएल बेचने नहीं देगा सो देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज सुपर स्ट्रॉन्ग देयर ब्रांडिंग इज सुपर स्ट्रॉन्ग

ये सोचना जरूरी है कि एक्चुअल सेक्टर क्या है सेक्टर इज नॉट मूवी थिएटर सेक्टर इज कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन में आपका क्या सब्सिट्यूट है राइट ओ टी है यूट्यूब है अब तो बहुत है मतलब पॉडकास्ट जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये आज से चार साल पहले पांच साल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था बहुत कम होता था कुछ लोग करते थे इट वॉज नॉट अ पॉपुलर सेगमेंट इट बिकम अ पॉपुलर सेगमेंट विल बी कंज्यूमिंग दिस कॉन्टेंट दिन में आपके पास चौबीस घंटे ही है

मेरा ओपिनियन है गलत हो सकता है बट मैंने लिखा भी था तब अगर uh, कुछ समय पहले जाएंगे और हम देखेंगे जब इनका मर्जर हुआ था 2022 में कि व्हेन दीज टू लार्ज फर्म्स आर मर्जिंग टुगेदर इफ इट वाज सच अ बिग ग्रोथ सेगमेंट देन व्हाई वुड द टॉप टू कंपनीज मर्ज टुगेदर अनलेस दे सी दैट द थ्रेट दैट दे आर अगेंस्ट इज फॉर्मिडेबल राइट एंड आप अगर नोट करेंगे तो मतलब अगेन बेनिफिट बट द प्राइस गॉन ग And it was just mass. And this is despite in between one quarter being a blockbuster quarter, which yeah. uh, was quarter August when all these movies had come. And there was a big hype around Big One Day. And the stock has uh, reacted also then. But it did not cross the peak it created just after the merger. I think yeah. merger is not going to a peak in uh, At approximately a 19 20,000 crore kind of a market cap, it has not crossed that. It is off about 20 25% from there.

Maruti is the customer for a lot of these auto ancillary companies, right? If you have such a big customer, you'll always face pricing pressures, right? Because if you are their pricing terms, then you have 50% car market access, right? Now, Maruti is a good firm; they don't squeeze the suppliers. But you have to realize when you are looking at auto ancillary firms that at the end is a, is a company that has a bigger market share and which is the brand name there. So they'll always try and skew there, uh, right, and uh, take out margins from here. That is the reality.

जो डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से इनका डिस्कशन होता था नाउ देव बेटर बार्गेनिंग पावर देर राइट सो बार्गेनिंग पावर सप्लायर थोड़ा कम होता है जब मर्जर हुआ सो देर आर डिफरेंट फोर्सेज एट प्ले यू कैन यू कैन जस्ट यूज दट अ फ्रेमवर्क टू काइंड ऑफ वर्क अराउंड